प्लास्टिक में हमारे जो ये ग्रह हैं, ये शुभ फल देना कम कर देते हैं, यानी नकारात्मक शक्तियां उभर करके आती हैं, क्योंकि इस दौरान शुभ कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं। आप देखते कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता हुलास्तक में, जिसके कारण अब बात करते हैं, आज जो आपने बात ली कि एक मधुर संबंध होता है पति पत्नी का, सात जन्मों का रिश्ता होता है, और यदि वही दाम्पत्य जीवन आपका कड़वाहट में निकल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपके पास में कुछ नहीं है, क्योंकि जो सुख होता है हम दुकान से वस्तु खरीद सकते हैं मगर सुख नहीं खरीद सकते। सुख एक अलौकिक वस्तु है और ये ईश्वर की देन है, जिसे हम स्वयं ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तभी भगवान ने कहा कि कर्मण्ये उदकारास्ते माम फलेषु कदाचना, कि यदि पति पत्नी हैं और आपस में मधुर संबंध नहीं है तो आप समझिए कि जीवन आपका दुखमय जा रहा। आखिर क्यों और कौन से ऐसे इसके कारक ग्रह, आगे हम बताने वाले हैं कि कौन से ग्रहों के कारण पति पत्नी के संबंधों में खटास आ जाती है, आपस में नहीं बनती, तनाव हो जाता है, और जिसके कारण यहां तक कि संतान भी कष्टमय हो जाती है। तो देखते रहिए कल, आज और कल। जी हाँ, तो जीवन साथी संग आपके रिश्ते कैसे मधुर हों, क्योंकि सुख दुख के साथी हैं वो आपके, तो इसके लिए कुछ खास प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। सात रंग कौन से हैं वो रंग और उनका प्रयोग कैसे करना है ये भी हम आपको बताएं, पर उससे पहले आपको सुनवाएंगे आज की दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप का, आपके जो दुख है वो कट जाते हैं और आप मानसिक सुकून महसूस करते हैं। ॐ याजे जयं जोगितनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा जतां कुलजनात् प्रभवास्य लाज्जां तं तं मतात्म परिपालय देवि विश्वम्। हे माँ भगवती, जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा, हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करना और हमारे मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध हो उसको क्षमा कर। जी जी हाँ, और जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि होलास्टक में हम चाह रहे हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके रिश्तों पर हावी ना हो, क्योंकि इन दिनों में जो ग्रह हैं वो भी अपना प्रभाव अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जो रंग, क्योंकि होली जो है वो रंगों का त्योहार है, और रंगों के ही खास प्रयोग से अपने रिश्तों में भी आप जो है खुशियों के रंग भर सकते हैं। आचार्य जी जानना चाहेंगे कि कुंडली में आखिर वो कौन से योग होते हैं जो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ, खासतौर पर पत्नी का जो है पति के साथ मतभेद उत्पन्न करवाते हैं, और इसके पीछे के रीजंस भी बताएं, उपाय तो आप देंगे लेकिन सबसे पहले वो कारण बताएं आप। देखिए, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न लिया है, शायद हमारे जो दर्शक हैं और वो भी एक जिज्ञासा रख करके चलते हैं, और ये अक्सर हर परिवार के अंदर में आ रहा है। तो आपने पूछा कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो पति पत्नी के मधुर संबंधों में कड़वाहट ला देते हैं। सर्वप्रथम कि लगन के अंदर में यदि चंद्रमा और केतु बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि एक ज्यादा बोलने वाला होगा और एक थोड़ी सी बात को चार बात बना के बोलने वाला व्यक्ति होता है पति पत्नी के अंदर में। यदि वही चतुर्थेश में मंगल और शुक्र विराजमान हो जाएं तो ये समझ लीजिए कि जीवन भर पति पत्नी के अंदर में संबंध को लेकर के, जो हमारे मधुर संबंध होते हैं, दाम्पत्य जीवन की जो बुनियाद होती है, उस बुनियाद में कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, बस बुनियाद ही रहेगी, यानी जैसे जीवन आपने साथ फेरे लेकर के आए थे वैसा ही जीवन रहेगा। आगे हम उपाय भी बताने वाले कि वो कौन सा महा उपाय है कि जिसके करने मात्र से आपके जीवन की दिन दिशा दोनों बदल जाए। बिल्कुल, लकी कॉलर से भी आगे बात करेंगे। अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो आप हमारी दोपहर की जो मेल आईडी है उसे आप सभी नोट कीजिए, समय फ्लैश भी हो रही है, kal2:30 pm @liveindia.tv, ये हमारी दोपहर के शो की मेल आईडी है। चंडीगढ़ से रंजना जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है जी, डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ 14th Jan 1958। 14 10 हाँ जनवरी 1958 जनवरी जी। और समय सुबह का 4:36 AM और प्लेस लुधियाना। क्या सवाल है आपका इनके लिए? एक्चुअली उनका थोड़ा जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जॉब के लिए कब तक मिल जाएगा क्या है जी? यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए इनकी वृश्चिक लगन तुला राशि है, केतु में राहु चल रहा है, तो ये जीवन में इससे पहले भी कई दफे उतार चढ़ाव आए और आगे भी आते जा रहे हैं, तो कुंडली बहुत अच्छी है, योग अच्छे हैं। आप केतु के लिए पान के पत्ते में थोड़ा सा कत्था लगा करके और हनुमान जी को आप 5 मंगलवार चढ़ाएं, तो बहुत शीघ्र इनकी जॉब लग जाएगी और आगे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा जी। और आगे बताएंगे कि क्यों होलास्टक में ही जो है रिश्तों में कड़वाहट आती है, कौन सी वजह बन जाती हैं, ग्रहों की चाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो इन्हें लगाएंगे अब हम कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं जी। मेरा नाम विद्या सिंह है जी। विद्या जी कहाँ से बात कर रही हैं आप जी? पटना बिहार। आपको बधाई, आज की लकी कॉलर बनी हैं आप जी। थैंक यू जी। किनके बारे में जानना चाहती हैं जी? मैं अपने बारे में और मेरी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाहती थी। देखिए किन्हीं एक के बारे में आप जान सकती हैं, तो जिनके बारे में जानना चाहती हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप जी। 27 February 1994। अच्छा, समय रात को 10 बजे और प्लेस आरा। आरा बिहार जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में आप जी? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और क्योंकि अभी मेरा बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ है और अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, और मुझे ये जानना था कि गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं या फिर कब तक होगी जी। यहाँ पर कहूँगा कि तुला लगन और कन्या राशि बहुत भाग्यवान है, ये समझ लीजिए कि आपकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और ऑफर आपको आने लगे हैं, परंतु मेरे कहने बस से नहीं होगा। कुंडली में कुछ ग्रह हैं जैसे राहु और केतु। राहु दिमाग का कारक, केतु वाणी का कारक होता। राहु केतु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा राहु केतु के लिए शनिवार को आप एक नारियल उतार के बहती नदी में छोड़ें और केतु के लिए मछलियों को दाना डालें, ये 2 छोटे से उपाय कर लें और बहुत शीघ्र आपकी जॉब लगने वाली है जी। जी हाँ, तो शुभकामनाएं विद्या जी आपको आपके भविष्य के लिए, और अपने ही विषय पर वापस आएंगे होलास्टक। आचार्य जी, होलास्टक में ही सबसे ज्यादा विवाद क्यों होता है, और बात करें दाम्पत्य जीवन की जी, तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होलास्टक के दिनों में क्यों बढ़ जाते हैं? सबसे पहले कहूंगा कि जो होलास्टक होती है उस दौरान आप देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने जो शुभ कार्य है वो वर्जित कर लेता है, यानी बंद कर देता है, और जब शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं, जिसके कारण परिवार के अंदर में दखल तो देती है, साथ में पति पत्नी के जो मधुर संबंध होते हैं इन पर ज्यादा हावी होती। पति ने एक बात बोली तो पत्नी 4 बात बोलने की चेष्टा कर रही, पत्नी ने 4 बात बोली तो पति तनाव में आकर के क्रोध भरी बातें करने लगते, जिसके कारण आपस में बिल्कुल नहीं बनती और मैं तू तू का जो सिलसिला है वो चलता रहता। यहां तक कि बताया गया है कि लड़ाई झगड़ा कलह और क्लेश हो जाना, जो कि दाम्पत्य जीवन में ये बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि पति पत्नी का कहते हैं कि 7 जन्मों का नाता होता है, तब जाकर के 7 फेरे लेते हैं और पति पत्नी के रूप में बन जाते हैं। यदि वहां पर झगड़ा कलह और क्लेश होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जहां सुमति तहां संपद नाना, अगर सुमत होगी तो लक्ष्मी आएगी और अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो निर्धनता गरीबी और रोग की उत्पत्ति होगी। तो नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ही हमारे दाम्पत्य जीवन में इस तरह का अभाव आ जाता है जी हाँ।
और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, जो हम सुबह के शो में, क्योंकि होली आने वाली है और हम बात कर रहे हैं चार पुरुषार्थों के बारे में। चार पुरुषार्थ में से आज हमने सुबह बात की थी दो पुरुषार्थ यानी कि धर्म और अर्थ के बारे में, कल हम बात करेंगे काम और मोक्ष के बारे में। क्योंकि खास अंदाज में इस बार की होली अगर आप बनाना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बदलाव आए तो कल आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। रिश्ते और रंग में बात हो रही है, आपके अपने ही पति के साथ अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो किस तरह से होलास्टिक में खास रंगों के, सात रंग की हम बात करेंगे और उन खास रंगों के प्रयोग से जो आपके बीच के जो मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे और जीवन साथी के संग आपका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आचार्य जी, क्योंकि वाकई कहा भी जाता है कि पति पत्नी जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं, एक के बिना दूसरे की जिंदगी तो जो है वो मुश्किल ही होती है, ऐसे में अब आप बताएं वो खास सात रंग कौन से हैं और उनका कैसे प्रयोग किया जाए ताकि इस रिश्ते में प्यार बढ़े। बहुत सुंदर, यहाँ पर कहूंगा कि ये पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत मधुर और बहुत नाजुक संबंध होता है और व्यक्ति के अंदर में सबसे बड़ा भाव होना चाहिए क्षमा, कि हम दोनों एक हैं, अगर एक गलती कर रहा तो उस गलती को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको घटाना चाहिए, यानी उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और वो उपाय हरा, पीला, लाल, गुलाबी, जामनी, नारंगी और हल्का लाल और सफेद मिलाकर के सिंदूर की तरह, ये सात रंग लेकर के तुलसी के वृक्ष के नीचे तीन तीन चुटकी आपको मां तुलसी को अर्पित करना है और फिर जो लाल रंग है वो वहां से तुलसी के नीचे से उठा करके अपने सिर में लगा लेना है, उसके पश्चात आप अपने पति के चरण स्पर्श करें, क्योंकि कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शंकर जी ने, पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न कर लिया कि आखिर ऐसा स्त्रियों को कौन सा व्रत उपाय है, तो उन्होंने कहा कि पति के साथ में अनुराग करना, पति को मनसा वाचा कर्मणा सोचना, उनके पैर स्पर्श करना, वो सबसे बड़ा व्रत और धर्म बताया गया। तो आप ये उपाय करने के बाद में पति के चरण स्पर्श करें, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और जो ये दूरियां हैं, जो खाइयां हैं, ये बिल्कुल से पट जाएंगी। जी बिल्कुल। इंदौर से सती कला जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। जय माँ भगवती जी। हाँ जी गुरु जी, मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है खुशी। जी खुशी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी मैडम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 2001। जी समय?
समय सुबह के 9:15 9:50 और प्लेस इंदौर। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरा सवाल है कि ना मेरी बेटी लॉ की तैयारी करने की इच्छा रखती है जी, तो क्या उसका हो पाएगा क्या? अभी तो 9th में है लेकिन आगे क्या भविष्य में बन पाएगी क्या वो वकील? जी जी हाँ, पर बताना चाहूंगा कि इनकी मीन लगन और मिथुन राशि है, बहुत भागवान बच्ची है ये, लॉ क्या ये जजिस बन सकती है जिस तरह से इसकी कुंडली है। तभी कहते कि पुरुष बली नहीं होते, समय होते बलवान, इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़े होते, परंतु इसके लिए थोड़ा सा माता पिता का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, माता पिता को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में इनकी कुंडली के अंदर में ग्रहण दोष बना तो ये ग्रहण दोष की शांति जरूर कराएं, और शनिवार के दिन छाया पात्र यानी एक कटोरी में 50 ग्राम तेल अपना मुंह देख करके बच्ची से 5 शनिवार दान करवा दीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो समझ लीजिए कि पूर्ण हो गई, परंतु उसके लिए जो थोड़े से कर्म बताए हैं इनको करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, और आइए अब आपको आपके मूलांक के अनुसार बताते हैं वो नंबर जो कि काफी शक्तिशाली होता है, आपके भाग्य को एकदम से बढ़ा देता है, लेकिन इसे आपको रखना होता है पूरे 24 घंटे हर किसी से सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट नंबर। जी हाँ, आज एक नंबर वालों के लिए होगा 13 और 2 के लिए होगा 24, 3 के लिए 15 नंबर और 4 के लिए 31, 5 के लिए 16 और 6 के लिए 38, 7 के लिए 83 और 8 के लिए 91, 9 के लिए 104 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, गुप्त रखें, सीक्रेट ही रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी पर इसे विसर्जित करें तो होगी मनोकामना पूर्ण। जी, और अब राजस्थान से कविता जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में कविता, बताएं अपने बारे में आप। मैम मेरा नाम कविता है और मैं गंगानगर जिले से बोल रही हूँ। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। और जी हाँ मैम जी बताएं क्या जानना चाह रही हैं। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1991। जी समय? समय है सुबह का 11 बजे। और प्लेस? गंगानगर। गंगानगर जी। जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरी जिंदगी में अड़चनें बहुत आती है। क्या आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ, आपने क्या कहा? क्या मैम आपने क्या कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम मेरी जिंदगी में अड़चनें बहुत आती है। अड़चनें बहुत आती हैं जी। हाँ, और शादी कब होगी और जो मिलेगी या नहीं मिलेगी और लड़का कैसा मिलेगी? जी देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि इन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरे जीवन में अड़चनें बहुत आती हैं, और यह राहु और सूर्य एक साथ होते हैं तो ग्रहण दोष लग जाता है, और हम एक लोकाचार में एक भाषा बोलते हैं जब हमारे कोई बात कोई कार्य नहीं बनते तो कहते यार पता नहीं हमारे जीवन में तो ग्रहण लग गया। आपकी कुंडली के अंदर में वही ग्रहण दोष लगा जिसके कारण आपकी शिक्षा प्रभावहीन, कैरियर प्रभावहीन, वैवाहिक क्षेत्र भी प्रभावहीन रहेगा। इसके लिए आप सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं ओम गंग गणपतये नमः मंत्र को 5 बार बोल करके, तो आपका शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी, जॉब वगैरह बहुत शीघ्र लग जाएगी और विवाह क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा और गवर्नमेंट जॉब के पूर्ण रूप से चांस बन रहे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। 24 घंटे आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए अपनाएं खास प्रयोग आपसे हैं हमने। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। जी हाँ, आज ये उपाय हमारी माताओं
और बहनों के लिए है, जो सदा सुरक्षित रहें उसके लिए ये उपाय है कि कमल गट्टे, जिसको हम कमल फल भी बोलते हैं, तीन कमल गट्टे एक पीले कपड़े में हल्दी लगा करके बांध दिए और उसको दरवाजे पर आप बांध दीजिए। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और आपको मिलती है 24 घंटे की सुरक्षा। जी जी, अजमेर से रेनू जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में रेनू, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। मैं आपकी बिटिया के बारे अंकिता के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ है जी बताएं। 1 सितंबर 1991 जी। समय समय रात्रि के 2:45 बजे जी। और स्थान? स्थान अजमेर। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बच्ची का विवाह कब तक होगा और इसका भविष्य कैसा रहेगा जी। इसकी कर्क लगन और वृषभ राशि है, देखें राहु में गुरु चल रहा है, विवाह योग इसके चल रहे, कई जगह बातचीत भी शायद की मगर कोई सकारात्मक दिशा में बात नहीं बन पाई। उसकी वजह भी बता दूं कि राहु जो इनका है शत्रु का है, इसके लिए आप कांसे के पात्र में जल भरें और उसमें दूर्वा डालें और उसके पश्चात सूर्य को अर्घ दिलाएं बच्ची के हाथन 5 रविवार, तो बहुत शीघ्र इसका विवाह फिक्स हो जाएगा और कैरियर के अंदर में भी स्थिरता आ जाएगी। जी हाँ, चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां बताई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल आज और कल देख रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बता दें कि कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ कभी भी अत्याचार हुआ है, किसी ने आपकी भावनाओं पर को ठेस पहुंचाई है, तो ऐसे में अब खात्मा होगा, दुखों का अंत होने वाला है। कल हम आपको होलिका दहन से जुड़ी हुई जानकारियां देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।